हेलो सर्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और हमारा आज का टॉपिक है लेंस लॉ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लेंस लॉ। लेंस लॉ, तो लेंस लॉ का यूज क्या है? लेंस लॉ से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलारिटी जान सकते हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। ओके, सो लेंस लॉ गिव्स द पोलारिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और the direction of induced current. Okay, so see the statement of Lenz law. The induced EMF is produced in such a direction that it opposes the change in magnetic flux that produced it. Okay, मतलब जो EMF induced होता है या फिर जो current induced होता है वो किसकी वजह से होता है? Due to change in magnetic flux. तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी तो जो वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एग्जांपल में यह है कि फिगर ए में नॉर्थ पोल का मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम कॉइल की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी? जनरली जब नॉर्थ पोल हम कॉइल की तरफ घुमाएंगे तो इस केस में क्या होता है, ये है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, राइट। अभी जब मैग्नेट को हम कॉइल की डायरेक्शन में लगाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में इंक्रीज होगा, तो करंट की डायरेक्शन उस तरह की होगी तो वो जो इंक्रीज इन फ्लक्स है उसको अपोज करेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब सर्कुलर कॉइल में जो करंट फ्लो होता है तो अगर उसको हम बार मैग्नेट से रिलेट करें, क्योंकि जब करंट फ्लो होगा सर्कुलर कॉइल में तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो अगर उसको हम बार मैग्नेट कंसीडर करें तो कौन सा पोल नॉर्थ पोल और कौन सा साउथ पोल कंसीडर कर सकता है। ओके, तो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे कॉइल है, ये एक सर्कुलर कॉइल है, सपोज कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसको S बना सकते हैं। इस कॉइल का जो आगे का पार्ट है वो साउथ पोल की तरह एड करेगा बार मैग्नेट के लिए और पीछे का जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल की तरह एड करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करके तो थंब की डायरेक्शन अंदर की आएगी। ठीक है, तो हमको पता है कि बार मैग्नेट, अगर मैं बार मैग्नेट ले लूँ नॉर्थ और साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से एंटर होती है और नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ले लूँ और जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फिंगर्स रोटेट करूंगा तो थंब की जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर की साइड आएगी। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो यहाँ से एंटर होती है और दूसरी साइड निकलती है, तो जिस साइड एंटर होती है वो साउथ पोल, मतलब जो आगे वाला पोर्शन है वो साउथ पोल और जो पीछे वाला पोर्शन है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ओके, ये कब होगा? जब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। सपोज करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ओके, इस डायरेक्शन में, तो यहां पे हम एक N बना सकेंगे। तो मतलब जो आगे की डायरेक्शन, ये मेरे को N बोलता हूं, ओके, तो जो आगे की डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल और जो कॉइल के पीछे की डायरेक्शन है वो साउथ पोल ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पे मैं अगर राइट हैंड थंब रूल निकालूंगा तो मैग्नेटिक जो थंब की डायरेक्शन है वो बाहर की साइड होगी, उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, अंदर से बाहर निकलती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बाहर मैग्नेट हो तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और पीछे वाला साउथ पोल। ठीक है, अब इससे हम लेंस लॉ डिटेल में स्टडी करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। नाउ सपोज देयर इज अ कॉइल एंड अ बार मैग्नेट, लेट्स से हैविंग नॉर्थ पोल फेसिंग टुवर्ड्स द कॉइल। ओके, हम एक कॉइल ले लेते हैं और एक बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ फेस करता है। अगर इस मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ ले जाए तो क्या होगा?
तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉयल में बढ़ेगा, राइट, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। तो लेंस लॉ के मुताबिक क्या होगा, करंट उस डायरेक्शन में जाएगा तो जो इंक्रीजिंग फ्लक्स को कम करेगा, वो तभी पॉसिबल है जब एंटी क्लॉक वाइज हो, राइट, वो एंटी क्लॉक वाइज होगा तभी पॉसिबल है। जब एंटी क्लॉक वाइज होगा तब उसका डायरेक्शन ये होगा नॉर्थ पोल, ओके, तो ये नॉर्थ पोल की तरह ऐड करेगा और ये अपोज करेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेट की वजह से क्या होगा, ये फ्लक्स ये बढ़ रहा है, ठीक है। और जब कॉइल नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में करंट आएगा, तो राइट हैंड थंब रूल के इस इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो आप ब्लैक लाइंस देख रहे हैं उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर इस मैग्नेट को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, राइट, तो ये फ्लक्स कम होगा, राइट, तो उस टाइम पे इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इस तरह होना के वो इसको ज्यादा करे, मतलब जब साउथ पोल का मैग्नेट इस तरफ ले जा रहा हो तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा, तो करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए जो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो उस डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज आए, तब ये एक्ट करेगा साउथ, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से देखते हैं अभी। नाउ सी, लेट्स सी, टेक दैट देयर इज अ कॉइल एंड अ मैग्नेट, ओके। नाउ लेट्स सी दैट व्हेन नॉर्थ पोल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मतलब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। हम अपोजिट केस लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लेंगे हम, राइट, मतलब हम करंट की डायरेक्शन कौन से, सॉरी, क्लॉकवाइज लेते हैं हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम ट्राई करते हैं, चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई तो क्या होगा। ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी पोलारिटी होगी साउथ पोल की, राइट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, मैं जस्ट स्लाइट पुश दूंगा मैग्नेट को, ओनली स्लाइट पुश, तो फिर अट्रैक्शन होगा कि ये साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, तो फिर मैग्नेट अपने आप आगे जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, मतलब मेरे को सिर्फ एक स्मॉल पुश देना है, एक छोटा सा धक्का देना है, उसके बाद ये मैग्नेट अपने आप मूव होगा और ये करंट फ्लो होगा, राइट, तभी कोई एनर्जी यूज नहीं की है, तो जो मैग्नेट मोशन में आएगा काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, राइट, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होगा, राइट, बिकॉज नो नन ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड, ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, राइट, दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब हम ये समझ गए कि करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये होगा उसका डायरेक्शन, ओके, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अभी आपको पता है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल होता है रिपल्सन, मतलब मैं थोड़ा धक्का दूंगा इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, वो रिपेल करेगा, मैग्नेट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अभी मेरे को कंटिन्यूस करंट चाहिए तो मेरे को कॉन्स्टेंटली इसको धक्का देना पड़ेगा एक डायरेक्शन में, मीन्स आई नीड टू कॉन्स्टेंटली अप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी for the motion of magnet towards the coil, and this energy is used, okay, अगर मैं इस coil को यहाँ पे कोई resistor पे लगा दूंगा तो क्या होगा, यह जो है mechanical energy use हुए वो resistor में current flow होगा, तो I square RT, resistance आ रहा है, तो इसमें heat produce होगी कितनी, I square RT, और वो heat कहाँ से आई, this is converted from the mechanical एनर्जी, ठीक है, ओके। लेकिन पहले केस में क्या था, मैग्नेट अपने आप मूव कर रहा था और तब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कहां से आएगी, वो कोई एनर्जी यूज ही नहीं की है, सो दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, क्लियर। सो दिस वाज अबाउट लेंस लॉ, सो यू जस्ट नोट डाउन दिस टॉपिक।
आगे बढ़ते हैं, एक स्मॉल टॉपिक कवर कर लेते हैं हम। हाउ कैन बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंजेस, मतलब अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस होगा, तो हम किन किन तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स की फॉर्मूला है बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, मतलब या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज करें, एरिया चेंज करें क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंज कर सकते। ओके, तो फर्स्ट हम मैग्नेट को मूव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल, राइट। मैग्नेट हम मूव करेंगे, अगर ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेट हम जैसे कॉइल की तरफ ले जाएंगे तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ओके, सेकेंड कॉइल कैन बी रोटेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है इधर, और यहाँ पे जो कॉइल है वो हम रोटेट करेंगे, ओके, इस डायरेक्शन में, इसके बाद इस डायरेक्शन में, इस सर्कुलरली हम रोटेट कर सकेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, तो हम इसके थीटा चेंज कर रहे हैं। थर्ड, कॉइल हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में हम कॉइल रख देंगे और उसके बाद हम मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, ओके, हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, तो बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। ओके, फोर्थ, कॉइल कैन बी मूव्ड इनसाइड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये सपोज ये नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, यहाँ पे ये कॉइल ले ली, अगर मैं ये कॉइल इस तरह से इधर से मूव करूंगा तो आप देख सकेंगे कि इस पोजीशन में ए और बी, ए में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग ज्यादा है, राइट, तो हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लें और उसमें कॉइल मूव करें। और फिफ्थ, डायमेंशन हम कॉइल का चेंज करें, मतलब अगर हम कॉइल का सपोज सर्कुलर कॉइल ली है उसका रेडियस चेंज करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, राइट। सो दीज आर द वेज इन विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल कैन बी चेंज्ड। ओके, फर्स्ट मूविंग द मैग्नेट, सेकेंड रोटेटिंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड कॉइल इज कैप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज, फोर्थ कॉइल इज मूव्ड इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिफ्थ बाय एनी हाउ द डायमेंशन ऑफ द कॉइल इज चेंज्ड विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस आर द वेज इन विच मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज, जस्ट नोट डाउन दिस टॉपिक। Okay, students, so that's it for today. Thank you.